तो क्या हालचाल, कैसे हो और आप लोग? आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं करने वाला हूँ। भैया ने कहा है कि यश आज तू करेगा ब्लॉग की शुरुआत, रोज तू कैमरामैन बनता है तो आज तू ब्लॉगर बनेगा। ये यश का प्रमोशन हो गया आज। हाँ, अभी कैमरामैन से मैं भी ब्लॉग करूंगा। आज हम शशांक को उसके स्टूडेंट हाउसिंग में छोड़ने जा रहे हैं, और क्योंकि शशांक भी इंडिया जा रहा है 28 की फ्लाइट है, और शशांक ने आज बहुत ज्यादा बात कर ली अपने इंडिया के दोस्तों के साथ, और बहुत सारी प्लानिंग हो गई है कि कहाँ पार्टी हो रही है और क्या क्या होगा पार्टी में। तो हमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है शशांक को, बहुत ज्यादा काम करना है आज, पैकिंग करनी है और बहुत सारी चीजें। आपको कुछ यूएस से कुछ चीजें जाननी होगी तो अभी कमेंट में सेक्शन में बता दो। शशांक आ रहा है, चेहरा देख लो इसका। शशांक आ रहा है। चलो गाइज, अभी हम आगे का रास्ता दिखाते हैं तुम्हें और फिर जाते हैं स्टूडेंट हाउसिंग एरो अकेडमी। गाइज निकल चुके हैं घर से अपने और यहाँ से लेफ्ट लेंगे और फिर इनको रास्ता बताया तो इस वजह से मैंने मैप लगाया नहीं अभी। मैं तो इनके वर्ड्स पर जा रहा हूँ कि इनको रास्ता पता है, देखते हैं इनको सही में पता है नहीं पता। और दिन बस से जाते हैं फिर ये लोग, आज अपन कार से जा रहे हैं। लेफ्ट लेना है, पता है थोड़ा बहुत तो इनको रास्ता। और ये क्लासेस कैसी चल रही तुम्हारी? क्लासेस तो अच्छी चल रही है, बस ये चेक राइड हो जाए। यस, आप मुझे लग रहा है कि आप अपने मेरे दोस्त भी प्रे कर रहे हैं सब तुम्हारे लिए कि यार यस भाई की चेक राइड हो जाए यार। वही 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 यार, ये वेदर ने दिमाग खराब करके रखा है, लेकिन जो न्यू क्लासेस स्टार्ट हुए ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा अच्छा, 28 का। कहाँ से फ्लाइट तुम्हारा? पोर्टलैंड से। पोर्टलैंड से डायरेक्टली बैंगलोर है क्या? नहीं ना, नहीं नहीं, पोर्टलैंड से एम्स्टरडैम चलते हैं। अच्छा, एम्स्टरडैम के बाद 2 घंटे का लेओवर है, वहाँ से सीधा बैंगलोर। शायद तुम कितने बजे पहुंचे बैंगलोर? 12:00 मिडनाइट होगा। अच्छा, आ रहा नहीं था कोई घंटा। दोस्त आ रहे पिकअप करने? हाँ दोस्त आ रहे हैं। अच्छा बढ़िया बढ़िया, आज तो बहुत बातें कर ली इसने कि कौन सा रूम बुक करना है, न्यू ईयर की पार्टी वार्टी। यस, मुझे लग रहा है हम दोनों ही कुछ नहीं कर रहे हैं यार। वही यार, आप भी आ जाओ भैया। नहीं यार, ये महंगी पार्टी हो जाएगी। इससे बढ़िया तो हम यहाँ ये सब ये वेगस के कितने चक्कर लगा लेंगे यार इतने में तो ना। वही वही वही, 10 बार अप डाउन कर जाएंगे, 10 बार अप डाउन कर जाएंगे और खेल भी लेंगे। कितनी बार हो जाएगा क्या? फ्लाइट से 10 बार नहीं, 5 बार समझ। बस का पूछ रहा था कि बस का कैसा करते हो, तो यश भाई ने एक अंडर 18 वाला स्टूडेंट पास ले लिया और वो यूज कर रहे हैं। और यश भाई हो कितने के? तो 22। ये तो तुमने बचपन की तरह कर दिया कि ये करते थे कि आधा टिकट लो इसका, 6 साल से छोटे का है। और बच्चे की आ रही होती थी मुझे धीमी धीमी वाली। तो फिर तुम एज का चेक नहीं होता क्या उसमें? एज ऐसे तो चेक नहीं करते, मतलब अब तो कोई इंस्पेक्शन पे आया ही नहीं है ना, कोई चेक भी करता है, सिर्फ वो मशीन का आवाज आता है उससे वो खुश हो जाते हैं। हाँ, कर लिया, टिकट हो गया। यस सारे डिस्काउंट ले रहा है यहाँ पर। यस ने एक तो 10% स्टूडेंट का 10% वाला भी दे दिया, लेकिन वहाँ मिला नहीं ना इस बार। आने वाला है एक दो सिग्नल के बाद इनका कॉलेज आ गया और एयरपोर्ट स्टार्ट हो गया। एयरपोर्ट स्टार्ट हो गया, आ ही गया। मतलब मुझे मेरी जिंदगी आजकल बढ़िया हो रही है। दोस्त हमेशा अपने से छोटी उम्र के बनाने चाहिए, बिल्कुल ये ऐसे मजे लेके जिंदगी जी रहे हैं, दोनों सोए रहते दिन भर, कोई टेंशन है नहीं इनको। कल यहाँ पर एक हमारे घर पर एक पाकिस्तानी लड़का भी आया था ना, उमर। हाँ उमर, उसका भी लेना है एक दिन इंटरव्यू, उसको भी उसका ब्लॉग बनाना है एक दिन। पेशावर से था वो लड़का, तो सही लग रहा था। दोस्तों हम आ गए हैं कैंपस की ओर, स्टूडेंट कैंपस। कहाँ पर है वैसे?
इधर से वापस लेफ्ट अंदर ये वाला क्या? हाँ ओहो दिखाओ यस भाई दिखाओ जरा। हैम्पशायर डाउन्स इधर से राइट अपार्टमेंट। और ये एक्चुअली कॉलेज वालों ने, एरो एकेडमी वालों ने एक बिल्डिंग लीज पे लिया ना शायद? बिल्डिंग नहीं, बहुत सारे 15 स्ट्रीट। ओके हाँ, तो और उसके बाद फिर वो बच्चों को दे दिया है, सब लीज कर दिया है बच्चों को। एक्चुअली ऐसे बाहर रहो तो सस्ता पड़ता है, यहाँ कॉस्टली पड़ता है ना। हाँ। यहाँ एक रूम पे कितने लोग रह सकते हैं? एक रूम में दो और कितना रहते रहे? 700। ओके इधर उसमें फिर यूटिलिटी और ये सब भी रहता है क्या? नहीं सब, हाँ सब इंक्लूडेड है, सब इंक्लूडेड। और यस को यहाँ ज्यादा मजा आता था मुझे लग रहा है। यहाँ पे दोस्त है ना तो कैसे भी उठ पटंग हरकते सब कुछ। हमारे वहाँ यस को सीनियर सिटीजन से वाला फील होता है। नहीं 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 वहाँ पे भी मजा आता है, ऐसी कोई बात नहीं। ऊपर ना? हाँ ऊपर यहाँ है माइकल किचन में काम करते हुए। यह है रूम और यह है कलरफुल सोफा जो स्कूल की तरफ से इनको मिला है। कलरफुल होने की वजह से है तो गंदा हो गया है लेकिन वैसे लग नहीं रहा ना। हाँ। वैसे कलरफुल लग रहा है। हाँ। तो आज हमें एक ये चीज़ भी मिली है, ये उमर भाई यहाँ अपने पैसे छोड़ के गए हैं। ये हैं कौन? जिन्ना भाई। जिन्ना भाई 20 रुपये का नोट है, इसकी कोई कीमत है नहीं वैसे आजकल के टाइम में तो। इंडिया के 5 रुपये के बराबर हो गए, यानी 5 भी नहीं 6 रुपये के बराबर। हाँ। और ये इनका 10 रुपये का नोट, ये नोट भी धुल चुका है और जिन्ना भाई भी धुल चुके हैं, दोनों धुल चुके हैं। 10 रुपये इंडिया का रुपीज। हाँ देखो ये अपने देश का, ये अपने देश का कॉइन है यार, ये मतलब देश का लोहा, इसकी बात है मतलब। ये देखो और एक ये है नोट, ये कोई बात है इनकी, कुछ फुद्दू से नोट है। दोस्तों फिर आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। बताना कैसा लगा ये वीडियो और शशांक भाई का रूम कैसा था, कितना गंदा था और कितनी साफ करने की जरूरत है उसे। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना, और कोई पूछना होगा तो शशांक भाई से रूम के बारे में तो कमेंट जरूर करना। चलो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।